ये ऊपर से कुछ मेन गेट की तरफ से ये सारी लोकेशन है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज हम लोग आ गए हैं एक जो पसंदीदा जगह हम लोग का रहता है, वही हॉन्टेड जगह है, भोली भटियारी का महल। ये पीछे गेट है, रोड से मात्र 300 मीटर अंदर ही है। चलिए आगे चलकर दिखाते हैं आप लोगों को। तो इस भोली भटियारी के महल तक पहुंचने का सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है झंडे वालान, वहाँ से मात्र 700 मीटर की दूरी पे है ये। तो यही है रास्ता जाने का अंदर, बस यहाँ से 300 मीटर अंदर ही है। चलिए चलते हैं, ये चारों तरफ जंगल ही जंगल है। तो देखिए कितना हॉन्टेड वाला लुक है, पूरा जंगल के बीचों बीच है ये महल। देखिए चारों तरफ जंगल ही जंगल है सिर्फ। और दिल्ली पुलिस यहाँ पे टाइम टाइम पे आके दिन में बहुत बार चेक करते रहती है पूरा। तो यही वो रोड है जिधर से हम लोग आए हैं, और यही गेट है, इसी के अंदर जाना है, वहाँ है। चलिए आगे चलते हैं, अंदर जाकर भी दिखाते हैं आप लोगों को। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं गेट पे, यहाँ से है एंट्री अंदर जाने का। अब चलते हैं अंदर। एक गेट यहाँ पर भी है। तो फाइनली हम लोग अंदर आ चुके हैं, और ये देखिए चारों तरफ का व्यू। जो यहाँ का वॉचमैन था उसने बोला जल्दी बाहर आ जाने के लिए। चलिए थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं पूरा, उसके बाद बाहर चलते हैं, इसकी स्टोरी भी आप लोग को बताते हैं आगे चलकर। तो ये छोटे छोटे रूम हैं, अंदर में कुछ है नहीं, एकदम छोटे से रूम हैं। और ये इधर भी है रूम। और चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल है। एक कोना ये है, यहाँ पर भी वैसा ही रूम है, एकदम छोटा सा, कुछ है नहीं अंदर। और ये ऊपर भी जाने का रास्ता है, आगे से सीढ़ियाँ हैं। चलिए ऊपर भी चलकर दिखाते हैं आप लोगों को। यही सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए, बाकी नीचे कुछ नहीं है, सिर्फ छोटे छोटे रूम थे 4-5। ये देखिए ऊपर, ऊपर से एक बार बाहर का व्यू आप लोग देख लीजिए, पूरे जंगल के बीचों बीच बना हुआ है ये। ये देखिए चारों तरफ जंगल ही जंगल है फिर। तो चलिए ऊपर भी थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। कुछ है नहीं, बस दीवारें हैं, और आगे घेरा लगाया हुआ है। ये देखिए, एक छोटा सा कुछ बनाया गया है, और अंदर में गलियारे टाइप का है। कुछ
कुछ है नहीं, छोटा सा गलियारा टाइप का है। तो बस यही है यहाँ पे, ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन इसको हॉन्टेड माना जाता है। इसकी कहानी मैं बताता हूँ अब आप लोगों को। इस महल को 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। और ये जो महल बना था उस समय शिकार खेलने के बाद यहाँ आराम करने जंगल में यहाँ पे राजा आया करते थे। और यहाँ की बहुत कहानियाँ, सबसे फेमस कहानी जो है वो है कि राजा ने अपनी रानी को, जो उससे बहुत प्यार करती थी, उसको यहाँ पे रखा हुआ था क्योंकि उनको ये महल बहुत पसंद था। तो एक दिन उन्होंने रानी को दूसरे आदमी के साथ देख लिया, जिसके बाद उन्होंने रानी को यहाँ पे कैद कर दिया। तो रानी की यहीं पे मौत हो गई थी और उसकी लाश भी नहीं मिली थी। तो लोगों का मानना है कि वही रानी की आत्मा अभी भी राजा को मारने के लिए मतलब यहाँ भटकते रहती है। जो स्थानीय लोग हैं वो उन्होंने कई बार देखा है, ऐसा बताते हैं। और गूगल में भी इसको बताया गया है, दिल्ली की टॉप मोस्ट हॉन्टेड में इसका नाम आता है, भूली भटियारी का महल, जहाँ पे रानी की आत्मा भटकते रहती है। तो ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे, यही सब जो था दिखा दिया। थोड़ा नीचे था पार्ट, थोड़ा ऊपर, दो मंजिले पे है। और बस चारों तरफ जंगल ही जंगल है। देखने में हॉन्टेड फील तो आता है, लेकिन ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे। हाँ, रात के टाइम पे अलाउ नहीं है, दिल्ली पुलिस आके अंदर चेक करती है कि शाम के बाद कोई रह तो नहीं गया है, और किसी को आने नहीं देते हैं यहाँ पे, चौकीदार ये सब सारा कुछ है बाहर में। दोस्तों, तो आज की वीडियो ये वाली भी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए कितनी प्यारी लोकेशन है। तो जल्द ही मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय। तो बस अब निकलते हैं यहाँ पे, यही है मेन गेट।